ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ईडी ने, आपको पता है अप्रैल से ये केसेस चल रहा है, ठीक है, और इन पे लगा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, और लिकर केस की वजह से इन्हें जो है सीएम को अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक जो है एविडेंस ईडी ने नहीं दिया है, तो इस वजह से काफ़ी बार जो है बेल के लिए ट्राई किया गया, लेकिन फाइनली 12 जुलाई को यहाँ पर बेल मिल गई है, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है, जैसे अब इन्हीं के टाइम पर ही हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, ठीक है, मार्च के आसपास की बात है ये। लेकिन बात ये थी कि हेमंत के अरेस्ट होने से पहले, मिस्टर हेमंत जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, उससे पहले ये ही अरेस्ट से पहले इन्होंने क्या करते थे, रिज़ाइन कर दिया था अपने सर्विस को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हेमंत सोरेन को भी कुछ टाइम पहले बेल मिल गई थी, इसी पीएमएलए एक्ट के तहत ही उन्हें अरेस्ट किया गया था, तो उन्होंने फाइन भी भरा 50,000 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और अब जो है, अब बात क्या आ गई कि बेल तो मिल गई, अब वापस इन्होंने क्या करा, अपनी ओथ ली, ठीक है, लेजिस्लेटिव में, और वहाँ पे अपना जो मेजॉरिटी है वो प्रूव किया, क्योंकि इन्होंने खुद से रिज़ाइन किया था, ठीक है, सरकार नहीं गिरी थी, ठीक है। तो वापस जो है इन्हीं की सरकार बन गई है झारखंड में। अब बात आ जाती है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली में क्या है, केजरीवाल के ऊपर अब ये केस चल रहा है, बेल तो मिल गई। अब ये वैसे भी एक तो यूनियन टेरेटरी है दिल्ली आपका, फुल स्टेट नहीं है, क्योंकि फुल स्टेट ना होने की वजह से इसमें जो पावर है वो लेफ्टिनेंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, दिल्ली का। तो अब बात आ जाती है कि जो केजरीवाल हैं वो झारखंड के सीएम की तरह इन्होंने अरेस्ट से पहले खुद को रिज़ाइन भी नहीं किया था, ठीक है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनके ऊपर केस लगा है पीएमएलए के, तो यहाँ पे है कि इन्होंने भी फाइन देना है, ठीक है, सबमिट किया है 50,000 केजरीवाल ने भी। लेकिन अब बात क्वेश्चन आ जाती है कि क्या हेमंत सोरेन को जिस तरीके से पावर वापस मिल गया है, क्या केजरीवाल को भी मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ तो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जब से ये केस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या कोर्ट जो है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोर्ट डिसाइड करता है कि चीफ मिनिस्टर को जो है ड्यूटी करनी है नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ओथ डिपेंड करता है ना कि ओथ, क्योंकि प्रेसिडेंट दिलाते हैं, है ना। तो यह बात ही आ जाती है कि कोर्ट क्या इंटरफेयर करता है क्या इसमें, तो इस वजह से ये इशू में आ गया है क्वेश्चन वापस, कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो देखिए केस चल रहा है इनका, ओवरऑल हुआ नहीं है, तो पीएमएलए की वजह से यहाँ पे, क्योंकि देखिए पीएमएलए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ना, जैसे यूएपीए ना, ऐसे ही ये वाला केस बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि अब कोर्ट क्या कह रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी वर्डिक्शन नहीं आया कि जो है केजरीवाल वापस जो है, क्योंकि ये सिटिंग सीएम थे, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये सिटिंग सीएम थे, पहली बात तो सिटिंग सीएम को अरेस्ट करा, ऊपर से जो है वापस इन्हें जो है पोस्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पर कुछ भी नहीं है, बस अभी बेल मिला है इन्हें, बस इस चीज़ का भी बताया गया है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे कोई आर्टिकल आता है तो इसका, ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका एक्सप्लेनेशन पेज से है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है कि मनी बिल के बारे में। देखिए मनी बिल क्या होता है कि आपको पता होगा कि बेसिकली मनी बिल जो है यह आपके एक्ट के अंडर में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल लेके आना है, ठीक है, जैसे एक होता है नॉर्मल बिल पास होना, जिसमें आपका लोअर हाउस से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे, ठीक है, इससे पहले सभा से पहले राज्यसभा लोकसभा में इनकी स्क्रूटिनी की जो कमिटीज़ होती हैं उनके पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होकर ओवरऑल बिल पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन मनी बिल जब होता है ना, अब मनी बिल के अंदर डिपेंड करता है कि सरकार किस किस को मनी बिल बना रही है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मनी बिल जो है ना, इसका पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आधार कार्ड का एक्ट था, ठीक है, आधार कार्ड जो है एक एक्ट के फॉर्म में लाया गया था, तो ये जो है एज अ मनी बिल लाया गया। अब मनी बिल लाने से क्या फायदा होता है ना, कि जो भी सरकार रूलिंग में होती है वो उसको लोकसभा में पास करवा के सीधा जो है एक्ट बना सकती है, क्योंकि राज्यसभा में इसे बाईपास किया जा सकता था, जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर या ये कैरेक्टरिस्टिक एक मनी बिल में आता है, ठीक है। तो यहां पे बात क्या आ जा रही है कि कोर्ट में ये बात, अब कोर्ट में ये बात उठी कि भैया जो गवर्नमेंट होती है ना, जो भी लीडिंग गवर्नमेंट होती है, पिछले 10 साल से एनडीए गवर्नमेंट है, तो यहाँ ये जो है एलिगेशन लग जाता है कि इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बिल्स का मिसयूज़ किया है, ठीक है। मिसयूज़ मतलब इसमें ऐसा है कि जो भी सरकार के फेवर में कोई भी लॉज है, तो उसे एज अ मनी बिल जो है उसके अंडर में लाकर सीधा बाईपास कर दिया लोकसभा में पास करके, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। तो इसी चीज़ का जो है एलिगेशन यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है 23 को जो है इसका वर्डिक्ट आएगा, देखते हैं 23 को, वैसे भी जो है सॉरी बजट आएगा, तो अभी चंद्रचूड़ के पास गया है ये जो इशू है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या आता है। अभी यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखे कि मली बिल जो है क्या है, 109 आर्टिकल के तहत है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में लेके जा सकता है, लेकिन राज्यसभा अगर मना भी कर देती है उस मनी बिल को, कि फॉर एग्जांपल कोई बिल लेके गए, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 14 डेज में जो है राज्यसभा को इसका जवाब देना पड़ता है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाता है मनी बिल के केस में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेशन लाना है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैसा निकलवाना है तो कंटिंजेंसी मनी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को एज अ मनी बिल के फॉर्म में भी ये लाती हैं। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड जब लाया गया था, ठीक है, उसको भी 2018 में मनी बिल के तहत ही लाया गया था अंडर आर्टिकल 110 के अंदर, उस समय बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। ऐसे फिनेंस एक्ट 2017 को भी जो है मनी बिल के तहत लाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पीएमएलए एक्ट को भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनी बिल के तहत ला के सरकार क्या करती है, सीधा बाईपास कर देती है राज्यसभा के डिस्कशन में। क्योंकि पता क्या होता है कि राज्यसभा में, अब वो बात कई बार अलग है कि लोकसभा में भी रूलिंग पार्टी का जो है मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी, तो कोई इशू नहीं है। जब राज्यसभा में नहीं होती है ना मेजॉरिटी, तो सरकार काफ़ी सारे बिल लॉ मनी बिल के तहत ला के राज्यसभा लोकसभा से पास करवा देती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है, कि कहीं इसका मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, तो देखिए अभी क्या हुआ है, गुजरात में एक फ्लाई दिखा है, इंसेक्ट है ये, चांदीपुरा वायरस करके इन्फेक्शन फैला रहा है इसमें, और बहुत सारे बच्चे, 6 बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई है इस वायरस की वजह से। अब CHPV चांदी वायरस जो है ये क्या है, रेबोड्राइवाइट फैमिली से ये जो है बिलोंग करता है, ये इंसेक्ट जो है सैंडी फ्लाई स्पीशीज है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम फेलोबोटोमाइन सैंडी फ्लाइज एंड फेलोबोटोमस पेपेटासी कहते हैं इसे, ये स्पीशीज जो है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये। और इससे क्या होता है कि जब ये बाइट करता है तो इससे फीवर, बॉडी एक्ने, हेडेक शुरू हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज, ब्लीडिंग टेंडेंसी, एनीमिया जैसी चीज़ों को लेके आता है, और 20 to 48 आवर्स में कई बार इसकी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, बट इसका ये नॉर्मल बताया कि ये सबसे ज़्यादा किडनी और लिवर को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ऑल्दो ये पहली बार जो है 1965 में जो है महाराष्ट्र में ये डेंगू चिकनगुनिया के आउटब्रेक के फॉर्म में ये भी पहले आया था CHPH जो है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे नॉर्मली आने लगे, अभी क्या है बारिश का सीज़न है, तो इस वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, इस तरह के इंसेक्ट्स जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम फ्यूचर्स के बारे में। देखिए अभी क्या होता है, इंडिया ने अपना नेशनल क्वांटम मिशन जो है लास्ट ईयर लॉन्च किया है, ठीक है। वन ऑफ द फ्यू कंट्री है इंडिया इनमें से क्वांटम टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने में। यहाँ पे मेनली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो टिनी पार्टिकल मैटर्स पे काम करना है, रेडिकल सॉल्यूशन निकालना है। स्पेशली इसका यूज़ जो है क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो है इंडिया एज़ कम्पेयर बाकी कंपेरेटिवली जो है अपने आप को, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना है, US है, इनके बेस पर अपने आप को आगे लेके आ रहा है, ठीक। तो बहुत सारे काम यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा या अदर कंट्रीज के द्वारा कितना किया जा रहा है। जैसे अगर आप इंडिया की तरफ देखोगे तो $0.75 बिलियन ही जो है इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना जो है $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, US जो है 3.75 और यूरोपियन यूनियन $1.1 जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। जैसे क्वांटम मिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी रिसेंटली पिछले साल ही राइटर बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन क्वांटम रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है। इसका मेन फोकस क्या है, 4 एरिया में है। एक तो कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशंस में, सेंसर में और मटेरियल में। और क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या ट्राई कर रही है कि भैया जो मेनली काउंटर इनिटिव मैनर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मल्टी टाइप का काम है, ठीक है, तो उसको इजीली सॉल्व करने में, कितना कम टाइम पे चीज़ों को जो है प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में लेके आने में, इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये रिसेंटली इसकी कैपेबिलिटी, अब इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है ताकि और कंपेरेटिव और कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली हम जो हैं ईजिली उसके अप्रोच तक पहुँच सके। क्योंकि हमारे पास मेनली पता है लैक है, इंफ्रा लैक है, एक इन्वेस्टमेंट लैक है हमारे पास, दोनों ही I² जो है काफ़ी ज़्यादा लैक है। तो यहाँ पे अभी ये इसी के बारे में बताया कि और भी जैसे लैंडस्केप ऑफ इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी ने बोला है कि अब इंडिया ने काफ़ी अच्छा पहला स्टेप कदम उठाया, ऑल्दो ऑल भी कंट्रीज हैं लेकिन अच्छी बात है। और अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है 6,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, 0.75 बिलियन के आसपास, ठीक है। अभी जैसे US में अगर आप देखोगे तो 15 बिलियन जो है अभी किया गया है, सॉरी चाइना में, और US में 3.75 बिलियन है, यूनाइटेड किंगडम में 4.3 बिलियन है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट जो है अदर कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। और उसके हिसाब से जैसे जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, ठीक है, ये 2 बिलियन के आसपास है। और रिसर्च पेपर्स में निकालते हैं ये हर साल, जैसे 1700 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स अभी तक पब्लिश हुए हैं 2000 से 2018 के बीच
में, ठीक है। और बहुत सारे स्पेशली चाइना, अमेरिका, ये कंट्रीज़ अपना जो है जीडीपी का अमाउंट जो है मोस्ट ऑफ परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही बहुत बड़ा एक फील्ड होने वाला है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, इंडिया लार्जेस्ट जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे जो है स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा उठाए जाने वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक सेक्टर है ये। खैर, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे पीएम श्री जो है, ये आर्टिकल जो शुरू में किया था हमने, दिल्ली में जो है फंडिंग दी जा रही है लेकिन मना किया जा रहा है, वो उसी के बारे में। तो यहाँ पे पीएम श्री का एक बार बेसिक बताया गया क्या है कि इसका मेन मोटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मोटिव दिया गया था उसी को जो है स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना, स्पेशली एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल्स में, ठीक है। यहाँ पे स्कूल्स को बढ़ाना, यहाँ पे इन सब चीज़ों को इन्वेस्ट करना है और बहुत सारे स्टेट्स पे लाया जा रहा है इसको, ठीक है। ये समग्र शिक्षा के बारे में तो आप एक बार ओवरऑल देख सकते हो, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो थैंक